पैर टूट गया है साहब, डॉक्टर साहब से बात हुआ था, यहाँ डॉक्टर साहब बोले थे आओ ऑपरेशन करेंगे, 25,000 रुपया मांगा है सर, 15,000 जमा किए हैं हम शाम को, हमका पैसा 15,000 जमा करवा दिए। कहाँ पे? वो रूम पर। अब बोल रहे हैं कि 10,000 और दोगी तब हम रोड मंगाएंगे, हम ऑपरेशन पर चढ़ाएंगे, ले जाके निकाल दिए बाहर। और बोलते हैं थिएटर, ऑपरेशन थिएटर पर ले गए और बोलते हैं कि 15,000 रुपया और दो तब ऑपरेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, निकाल दिए सर हमारा 15,000 जमा जो किए थे वही बस किए। हॉस्पिटल में तो निःशुल्क इलाज होता है। हाँ सर, तो ये नहीं कर पाएंगे, बोल रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। तो आज ऑपरेशन थिएटर में गए थे आपके मरीज? हाँ गए थे, हमको वहाँ डॉक्टर साहब बुलाए थे कि जाके बुला लिया उसको घर वाली को, तो हम गए थे तो बोल रहे हैं कि अब ले जाइए, हम नहीं कर पाएंगे इतना में। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज का दावा करती है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले बलिया में जिला चिकित्सालय में मरीज की बात सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। जिला अस्पताल के हड्डी वार्ड में बेड नंबर 11 पर पड़े मरीज को जरा गौर से देखिए। मरीज की सुनकर हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर ये क्या हो रहा है। जिला चिकित्सालय में शनिवार को मरीज का ऑपरेशन होना था। मरीज के परिजनों का आरोप है कि उसे ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ इसलिए बिना ऑपरेशन निकाल दिया गया क्योंकि उसके पास डॉक्टर द्वारा मांगी गई रकम देने की ताकत नहीं थी। ऑपरेशन के लिए 25,000 रुपये की सरकारी अस्पताल में डिमांड हुई। मिली जानकारी के मुताबिक पकड़ी थाना निवासी परमात्मा चौहान के पैर में फ्रैक्चर था, जिन्हें खिजुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में एडमिट होने के बाद मरीज परमात्मा चौहान का आरोप है कि डॉक्टर द्वारा 25,000 रुपये की डिमांड हुई है, जिसमें से 15,000 रुपये मरीज के परिजनों ने सरकारी डॉक्टर के आवास पर दे दिया। जब ऑपरेशन के लिए मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया तो वहां चिकित्सक द्वारा ये कहकर ऑपरेशन थिएटर से बाहर कर दिया गया कि जब तक बाकी के 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे तब तक ऑपरेशन नहीं होगा। वहीं पीड़ित परिवार से एक महिला परिजन बताती है कि शनिवार को ऑपरेशन करने को बोला गया था, डॉक्टर साहब 25,000 रुपये मांगे, 15,000 रुपये एक दिन पहले आवास पर दे दिया गया, लेकिन शनिवार को 10,000 रुपये का इंतजाम नहीं हो पाया तो बोला गया कि ऑपरेशन ही नहीं होगा, इसके बाद हमें वहां से निकाल दिया गया। ऐसे में प्रभारी CMS डॉक्टर RD राम का कहना है कि सीजर का सरकारी रेट बेहद कम होता है, इस मामले की जाँच की जाएगी। वहीं जिला अस्पताल के आर्थोपेडिक सर्जन की यह शिकायत पहली बार नहीं है, लेकिन सरकार कितनी सख्ती के बाद भी सुधार नहीं हो पा रहा है। मरीज परमात्मा चौहान का इलाज कर रहे सरकारी चिकित्सक संतोष चौधरी अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि जिला अस्पताल में इम्प्लांट सरकार की तरफ से नहीं मिलता, पर्ची पर मरीजों को लिखकर दे दिया जाता है, वह बाहर से खरीद कर लाते हैं। मैं सदर हॉस्पिटल में आया हूँ, ऑपरेशन कराना था। किस चीज का? पैर का टूट गया पैर। क्या हुआ? कुछ झगड़ा में पैर टूट गया साहब, डॉक्टर साहब से बात हुआ था, यहाँ डॉक्टर साहब बोले थे आओ ऑपरेशन करेंगे, 25,000 रुपया मांगा है सर, 15,000 जमा किए हैं हम, और बोलते हैं थिएटर ऑपरेशन थिएटर पर ले गए और बोलते हैं कि 15,000 रुपया और दो तब ऑपरेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, निकाल दिए सर हमारा 15,000 जमा जो किए थे वही बस किए और हमको निकाल दिए, ऑपरेशन हमारे नहीं किए साहब। तो सरकारी अस्पताल में तो निःशुल्क होता है ना? हाँ सर, तो पता नहीं डॉक्टर साहब किस आवास अपना आवास को मंगाए, पैसा हम भिजवा दिए सर, फिर भी और 15,000 मांग रहे हैं। अब हमारे पास कुछ है नहीं सर कि हम क्या करें, हम सरकारी हॉस्पिटल समझ करके अपना हम जिला अस्पताल पर आए सर। क्या करते हैं आप? अब हम बस एक छोटी सी दुकान है, उस पर अपना जीवन में काटते हैं। कितने बच्चे हैं आप? चार बच्चे हैं। चार बच्चे हैं, छोटे हैं सब, छोटे बच्चे हैं। तो मतलब टोटल अच्छा पैसा ये कहाँ मांगे थे डॉक्टर साहब? अपने आवास पर मंगाए थे घर, वहाँ तो हम भिजवाए थे अपने मैडम से। कितना पैसा दे दिए आप? 15,000 रुपया दे दिए है सर। और कितना मांग रहे हैं? अभी 15,000 तक मांग रहे हैं। तो आप देने में असक्षम है? असक्षम है सर, हमारे पास कुछ नहीं बचा है। तो क्या ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं? ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर से हमें बाहर निकाल दीजिए सर। ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दिए? बाहर निकाल दिए सर। पैसे के लिए? पैसे के लिए सर। इनको हमारा पति का फ्रैक्चर हो गया है, तो हम सदर हॉस्पिटल में लाए हैं। कब से एडमिट है? काले एडमिट किए थे। हम बात किए थे डॉक्टर साहब से, तो बोले हैं कि शुक्रवार को लाओगे, शनिचर को ऑपरेशन पर चढ़ा देंगे, शाम को हमका पैसा
15,000 जमा करवा दिए। कहाँ पे? वो रूम पर। अब बोल रहे हैं कि 10,000 और दोगी तब हम रोड मंगाएंगे, हम ऑपरेशन पर चढ़ाएंगे, ले जाके निकाल दिए बाहर। और कहाँ पैसा मांग देने के लिए कहा जा रहा है? ऑफिस में बैठते हैं ना, वहीं पैसा ले लिए। आवाज पे? आवाज पे। अच्छा, तो हॉस्पिटल में तो निःशुल्क इलाज होता है? हाँ सर, तो ये नहीं कर पाएंगे, बोल रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। आज ऑपरेशन थिएटर में गए थे आपके मरीज? हाँ गए थे, हमको वहाँ डॉक्टर साहब बुलाए थे कि जाके बुला लिया उसको घर वाली को, तो हम गए थे तो बोल रहे हैं कि अब ले जाइए, हम नहीं कर पाएंगे इतना में। हम बोले कि सर अब हमारा जुगाड़ नहीं है, अब जो हम कर्जा गुलाम करके हम इतना जुगाड़ कर दिए, अब हमारे पास जुगाड़ नहीं है कि हम करेंगे। तो ऑपरेशन थिएटर से निकाल दिया? निकाल दिए, बोल रहे कि सोमवार को होगा, पैसा जुगाड़ करके लाओगे तभी अब होगा, अब नहीं होगा। फ्रैक्चर के केसेस में जो है कि सरकारी फीस है 260 रुपये देना पड़ता है, और ऑपरेशन में मेजर माइनर होता है, जितना उसका फीस होता है 299 होता है, 267 होता है और 67 रुपये होता है। अच्छा, अभी जो आपका नया हॉस्पिटल भवन है उसमें महिला हड्डी वार्ड में एक पेशेंट है जिसका पैर फ्रैक्चर है और उसका आज ऑपरेशन होना था, उसका कहना है कि जो चिकित्सक हैं उन्होंने आज का डेट दिया था ऑपरेशन का, कल वो एडमिट हुआ है और जिला अस्पताल में, और 15,000 रुपये उससे वसूल लिया गया है, 10,000 रुपये उससे और वसूलने की कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन थिएटर में उसको ले जाया गया ऑपरेशन के लिए, और फिर इसलिए ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उसने 10,000 रुपये और नहीं दिए थे, यानी जब तक वो 25,000 रुपये नहीं देगा तब तक उसका ऑपरेशन जिला अस्पताल के में नहीं होगा। अच्छा ठीक है, जो डॉक्टर देख रहे हैं मैं उनसे बात करता हूँ, क्या मामला है? नहीं मतलब एक मरीज का दर्द आप समझिए कि एक गरीब आदमी जो कि एडमिट है और ऑपरेशन थिएटर में से कैसे निकाला जा सकता है उसको। ठीक है, जो डॉक्टर देख रहे हैं उसके बारे में पता करता हूँ। सर ऐसा कुछ है क्या सरकारी अस्पताल में कि ऑपरेशन के लिए 25-30,000 रुपये लिए जाते हैं, जिस तरह का आरोप है मरीज? अब इसके बारे में सीएमएस साहब बताएंगे डिटेल। तो वो मरीज क्या ऐसे तड़पता रहेगा? नहीं, उसका होगा इलाज होगा। कैसे होगा? आज तो ऑपरेशन होना था उसका, ऑपरेशन थिएटर में ले जाके प्लास्टर लगा के और फिर उसको निकाल दिया गया ऑपरेशन थिएटर से बाहर कि जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तब तक तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं उनसे बात करूंगा, क्या रीजन है देखा होगा। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।